हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल दी विस्कीपीडिया पे। मैं हूं आपको होस्ट अमित। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है। जी हां, जो लीकर के एक्चुअल प्राइजेस होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन हमें काफ़ी कॉस्टली ये मिलती है। हाल ही में ही 31 मार्च पे पंजाब में लीकर सेल लगी थी और भाई जो प्राइजेस थे ना, वो होश उड़ाने वाले थे। कुछ बॉटल्स मैंने बाय की हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपके साथ रखूंगा जिसको देखने के बाद भाई हमें पता चलता है कि कैसे हम सबको लूटा जाता है। दोस्तों, ये इम्पीरियर ब्लू की हाफ बॉटल, ये 375 ml की बॉटल है जिसके ऊपर मिनिमम रिटेल प्राइस 150 rupees की है। अगर नॉर्मल दिनों में हम इसे लेने जाए तो भाई 250 rupees की हमें वाइन स्टोर्स पे मिलती है। ये बात मैं सिर्फ पंजाब की नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, कैसे हम सबके साथ फ्रॉड किया जाता है। लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे केवल 100 rupees की मिली है, 100 rupees का हाफ मिला है, 200 rupees की पूरी बॉटल बनती है। लेकिन नॉर्मल दिनों में हमें 500 rupees की पूरी बॉटल मिलती है और 250 rupees का हाफ मिलता है। तो भाई आप देख सकते हो कैसे हमें लूटा जाता है। ये जो लूट मचाई है ना, ये वाइन स्टोर्स वालों ने मचाई है। जी हाँ, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मिनिमम रिटेल लगा दिया है, तो चाहते तो वो इसे 150 में भी सेल कर सकते हैं, 160 में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन 250 rupees हमसे चार्ज किए जाते हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मार्जिन ये वाइन स्टोर्स वाले हम सबसे लेते हैं। दोस्तों, एक और बॉटल मैंने बाय की है, ये रॉयल स्टैग, शायद आपने देखी होगी। जी हाँ, कई लोगों की पसंद है ये। 370 ml की बॉटल नहीं है, ये पूरी बॉटल है 750 ml की बॉटल। जी हाँ, पूरा खंबा जिसे बोला जाता है। नॉर्मल दिनों में अगर हम इसे लेने जाए तो 600 rupees की हमें मिलती है भाई, लेकिन 250 rupees की, जी हाँ 250 rupees की ये बॉटल मैंने ली है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मार्जिन हम सबसे लिया जाता है। इसके ऊपर जो मिनिमम रिटेल है ना, ये 268 rupees है भाई, ये इसका एक्चुअल प्राइस है। जी हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर ये 268 rupees ऊपर प्रिंट है तो भाई आप 300 ले लो, 320 rupees ले लो, लेकिन जिसके ऊपर 250 rupees लिखा है उसको आप 600 में बेच रहे हो, ये कहां की इंसानियत है। जी हाँ, कितना ज्यादा हम सबको लूटा जाता है। दोस्तों, सिर्फ नॉर्मल इंडियन विस्कीज में ही नहीं हमें लूटा जाता, प्रीमियम ब्रांड्स की बात की जाए तो इसमें भी काफी ज्यादा चोर बाजारी हम सबके साथ की जाती है। ओक स्मिथ गोल्ड, नॉर्मल दिनों में इसे लेने जाए 850 rupees की बॉटल मिलती है। जी हाँ, पंजाब में 850 की मिलती है, बाकी स्टेट्स में भी इतनी ज्यादा महंगी ही मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 430 rupees की सिर्फ ये बॉटल मुझे मिली है, जी हाँ, सुन के देखो कैसा लगता है कि यार एक चीज जिसकी एक्चुअल प्राइस 430 rupees है, कस्टमर को सेल करने के लिए इससे भी सस्ती वाइन स्टोर्स में जाती है। जी हाँ, अगर आपको लगता है ना कि 430 rupees की ही उन्हें गई होगी और उन्होंने सेल में 430 की दे दी, नहीं भाई, उनको इससे भी सस्ती गई होगी और वो 850 rupees की हम लोगों को सेल करते हैं। जी हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर चेक करना चाहिए, क्योंकि भाई हमारी पॉकेट के ऊपर ये सब का इफेक्ट आता है। जी हाँ, एक्चुअल प्राइस अगर किसी चीज का 400 है और हम उसे 800 में ले रहे हैं तो भाई ये कंज्यूमर के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर ये आप सोच रहे हो सिर्फ इंडियन ब्रांड्स में, नहीं तो आप गलत हो भाई। ये स्कॉच विस्की है, विलियम लॉसन बहुत ज़्यादा सेल में रहती है। इसके अलावा 100 Piper ब्लैक एंड वाइट सबसे ज़्यादा पी जाती है, जो कि नॉर्मल दिनों में 1500-1600 rupees की मिलती है भाई, ये सेल में मुझे 630 rupees की मिली। जी हाँ, 630 rupees की ये फुल बॉटल है, ये क्वार्टर नहीं है, फुल बॉटल 630 रुपये में मुझे मिला है। इसके ऊपर जो मिनिमम रिटेल है ये 951 rupees है। तो भाई आप 950 में हमें दे दो, आप 1000 में हमें दे दो, आप 1500-1600 rupees बॉटल के ले रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से भाई कहीं की ये सही बात नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मैं भी ये पैसे स्पेंड करता हूँ, आप लोग भी ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, तो भाई दुख लगता है, क्योंकि एक चीज़ जिसकी कीमत 250 रुपये है उसके लिए 600 देना, जिसकी कीमत 950 rupees से लेके 1000 rupees है उसके लिए 1500-1600 rupees देना, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है। दोस्तों, मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अथॉरिटीज़ को भी पता चले कि भाई क्या एक्चुअल प्राइस है। वैसे तो उनको पता ही है, फिर भी उन्हें पता होना चाहिए कि भाई अब कंज्यूमर्स को इन चीज़ों के बारे में पता लगना स्टार्ट हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि इनके जो प्राइजेज़ है ना, इतने ज़्यादा
ज़्यादा नहीं किए जाने चाहिए। जितने एम आर पी है मिनिमम रिटेल है 50 रुपये उससे ज़्यादा ले लो, 60 ले लो, 100 ले लो, लेकिन ये नहीं है कि उसको आप 2 गुना 3 गुना रेट पे सेल करो। ये कहीं की भी मैं एक जेन्युइन बात नहीं बोलूँगा। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो जियो।